आज हम विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ बढ़ने की बात करने लगे हैं। हर तरफ एक बदलाव का दौर है। अब नीति आयोग के तहत चतरा जिले का चयन आकांक्षी जिला में होने के पश्चात वो इलाके भी बदल रहे हैं जो आजादी के बाद भी अपेक्षित रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं चतरा जिले के सुदूरवर्ती सेहदा गांव की, जहां समाज के अंतिम पायदान पर गुजर बसर कर रहे विलुप्त आदिम जनजाति के बिरहोर परिवार की, जो कि दशकों से अपेक्षित रहे हैं। हालांकि शिक्षा से महरूम ये समाज दो वक्त की रोटी के लिए मशक्कत में लगा रहता है। अब आकांक्षी जिला का असर इन विलुप्त जातियों के बीच भी देखा जा रहा है और इनके बीच भी शिक्षा की बयार बहने लगी है। कहा जाता है कि अब यहाँ भी हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और अपनी बेबसी को दरकिनार कर बिरहोर जाति के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी काफी आतुर दिख रहे हैं और इनके जीवन में सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक की पहल अब धीरे धीरे रंग ला रही है। परिणाम स्वरूप आज इलाके में काखागा और एबीडीसी के बोल गूंज रहे हैं। निजी पाठशाला के माध्यम से अब आदिम जनजाति की नई पीढ़ी को साक्षर करने की कोशिश की जा रही है। बच्चों को शिक्षित करने के लिए कॉपी कलम व किताब समेत विभिन्न पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराई गई है, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो सके। निजी पाठशाला में हो रही बेहतर पढ़ाई का असर भी साफ देखने को मिल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम क्लास का एक छात्र ललन बिरहोर के तौर पर देखा जा सकता है, जो किसी भी सवाल का फर्राटे के साथ माकूल जवाब देने में तत्पर है। मंत्री कौन है, क्या नाम है? श्री नरेंद्र दास मोदी। अच्छा, झारखंड राज्य के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री कौन? श्री हेमंत सोरेन। शिक्षा मंत्री कौन है? श्री जगन्नाथ महतो। तिरंगा फहराया है 15 अगस्त के दिन आप लोग। यस। ये गान किया है जनगण। वही ग्रामीण दिनेश बिरहोर ने कहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी गांव के भ्रमण में पहुंचे थे। इस गांव में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे बच्चे भविष्य के अंधकार में धकेले जा रहे हैं। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब हमारे गांव में भ्रमण करने के लिए आए, तो सबसे पहला आया तो मुद्दा रखा कि यहाँ पर क्या होता है, तो बिरहोर कैसे रहते हैं। तो हम बोले सर यहाँ पर स्कूल जो है सो एक पारा टीचर के माध्यम से स्कूल चलाया जा रहा है और बच्चों लोग जो है सो भविष्य के अंधकार में ढकला जा रहा है, किसी तरह से कोई शिक्षा ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वहीं आदिम जनजाति को शिक्षित करने वाली शिक्षिका ने कहा कि काफी मशक्कत के बाद आदिम जनजाति के बच्चे पढ़ने को राजी हुए और अब पढ़ाई के प्रति उनका रुझान देखते ही बनता है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजाक ने कहा कि आकांक्षी जिले के रूपी में चतरा को चिन्हित किए जाने के पश्चात उन्होंने आदिम जनजाति से आच्छादित इस सेदहा गांव के बच्चों को शिक्षित करने की योजना बनाई और भ्रमण के दौरान इन परिवारों के बच्चों के बीच भी शिक्षा का अलख जगाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इनको ज्ञान देने के लिए मेरे लिए बहुत कठिन कार्य लग रहा था कि कैसे इनके बीच में मैं काम करूंगी, क्योंकि ये बच्चे जंगल में रहने वाले गांव में घूमते फिरते रहते हैं और इन्हें शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं था कि शिक्षा क्या होता है। इनके बीच में रहकर काम करने लगी और आज हमारे बच्चे बहुत सा चीज़ ऐसे सीख गए जो अक्षर ज्ञान से, जैसे अंग्रेजी में ABCD, हिंदी में क ख से लेकर अक्षरों का ज्ञान होने लग गया और धीरे धीरे हिजा करके ये पढ़ने भी लग गए और बीच बीच में मैं इनका टेस्ट भी लेने लगी और टेस्ट लेते लेते बच्चे भी थोड़ा आकर्षित होने लग गए कि टेस्ट में अच्छा नंबर आता है। हम सबसे पहले वहाँ पे गए थे पिछले वर्ष अगस्त 2021 में गए थे, तो वहाँ पर देखे थे कि बहुत सारे बच्चे थे जो देखने में नहीं लगता था कि वो स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और जब उनसे पूछताछ की तो उन पता नहीं चल पा रहा था कि वो बच्चे पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले प्रयास किए कि उन्हें एक अच्छे जगह पर उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ लोग बैठे पढ़े सीखे, और इसी का परिणाम है कि वहाँ से बच्चे पढ़ पढ़ के अभी 30 से 35 बच्चे हमारे वहाँ से बिरहोर बच्चे जो हैं वो हजारीबाग आवासीय स्कूल में हम लोग पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं। इसके अलावा 5-6 बच्चियाँ हम लोग कस्तूरबा स्कूल में नामांकन करवाए हैं। और हम लोग का ये प्रयास है कि शुरू में तो पहले 100-150 बच्चे थे, अभी कुछ कम हुआ है, 70-80 के आसपास है,
तो उसी में से हम ये प्रयास करते हैं कि जो बच्चे वहाँ से निकलते जा रहे हैं उन्हें हम लोग अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं ताकि उनको और अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त हो सके। बहरहाल भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नित नए प्रयोग कर लोगों में शिक्षा का अलख जगाने तथा इसकी अहमियत से लोगों को रूबरू कराने के उद्देश्य से कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन चतरा के आकांक्षी जिला में चयनित होने के परिपेक्ष में विलुप्त आदिम जनजाति के बच्चों को भी शिक्षा के समंदर में गोते लगाते देखा जा रहा है, जो अकल्पनीय होते हुए भी सोलन आना सच है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।